शासन के निर्देश पर रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगने वाले नाइट कर्फ्यू का असर मंगलवार को भी देखने को मिला। नाइट कर्फ्यू के दौरान मंगलवार को महानगर के सिविल लाइन, हरिओम नगर, तिराहा, अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक, भगत सिंह चौराहा तथा इंदिरा बाल विहार सहित विभिन्न चौराहों पर सन्नाटा रहा। इसके संबंध में ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि शासन के निर्देश पर नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी है, केवल इमरजेंसी कार्य हेतु लोगों को छूट दी जाए, अन्य लोग अपने घरों में ही रहेंगे ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ADM सिटी ने जनता से अपील किया है कि अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें तथा मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि कोरोना से सुरक्षा केवल बचाव ही है। इस बचाव का पालन 2 मीटर की दूरी और मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग से ही हो सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, अभी भी रात्रि का नाइट कर्फ्यू लागू है। शासन के निर्देश हैं कि उस दौरान केवल बीमार लोगों को अस्पताल पे जाने के लिए या किसी की प्लेन फ्लाइट है उनको जाने की अनुमति दें, बाकी सभी लोग जो हैं सामान्य लोग अपने घरों के अंदर रहेंगे ताकि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरा प्रतिबंध लगा रहे। सर, जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही अपील करेंगे कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, मास्क निकाल लगा कर ही घर से बाहर आएं और अपने हाथ को साबुन से या सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करते रहें। पूरी सुरक्षा केवल बचाव में ही है, तो इस बचाव के पालन का 2 मीटर डिस्टेंस और मास्क और सैनिटाइज़र, ये 3 चीज़ों का प्रयोग अवश्य करें और अपने अपने परिवार, अपने पड़ोसियों और अपने देशवासियों सबकी सुरक्षा में सहयोग करें।